सभी ड्राइवरों का कि चोट खाने के बावजूद पूरा 38 जिला को हमारे साथ घूमे, पटना कन्हैया रिकॉर्ड कर 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, 62 सभाओं को करने के बाद, आज 27 फरवरी को जब हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास लिख रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये दिन चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस भी है। जिन लोगों को आजाद और आजादी शब्द से दिक्कत है, उन लोगों की नफरत भरी विचारों के खिलाफ वो तमाम परमानेंट यात्री 60 से 62 लोग हमेशा हमारे साथ चलते रहे। कई साथी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर, कई साथी अपनी नौकरियों से वक्त निकालकर, और कई साथी अपनी पत्नियों का डांट सुनकर, अपने बच्चों का डांट सुनकर हमारे साथ घूमते रहे। मंच पे जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो तमाम लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस ऐतिहासिक रैली को अंजाम तक पहुंचाने में। कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक अभेश भाव यहाँ आए थे, हमारी गाड़ी के साथ उनका भी गाड़ी फोड़ दिया था। वो तमाम पत्थर जो हमारी यात्रा के ऊपर चलाए गए हैं, उस कातिलाना हमले के वक्त भी सखी भाई एक बड़े भाई की तरह जेएनयू के पुराने प्रेसिडेंट की जो भूमिका हो सकती है उस भूमिका को निभाते रहे, सब लोग साथ खड़े रहे। आप मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्रशासन का, पुलिस का, और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको ड्यूटी निभानी पड़ती है और सरकार की हाजिरी भी बजानी पड़ती है। मुझे मालूम है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारी सभाएं हुई, परमिशन आखिरी मौके पर कैंसिल कर दिया जाता था, तो लोगों ने अपने खेत का फसल उखाड़ करके, मधेपुरा में खेत का फसल उखाड़ करके लोगों ने आम सभा कराई। उस किसान को मैं यहां से सलाम पेश करना चाहता हूं। वो एक एक जवान जो पुलिस की वर्दी पहना हुआ है, जब हमारे ऊपर पत्थर चलते थे तो सर उस जवान का भी फूट सकता था। वो अंगरक्षक के तौर पे बिहार पुलिस के जो जवान हमारे साथ रहे हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ बिहार की मीडिया का। हम जानते हैं दिल्ली से आपको बहुत दबाव होता है, फिर भी आपने खबर लगाई, इसके लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ CNR CNPR, क्योंकि आप तमाम लोगों को यह एहसास हो गया कि ये कन्हैया की रैली नहीं है, ये मार्केट में भ्रम था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, दोस्त देश बचेगा, बिहार बचेगा, संविधान बचेगा, तब न चुनाव होगा। ये व्यक्ति की रैली नहीं है, विरोधी संघर्ष मोर्चे के वो तमाम लोग और एक आवाज पे अपना काम छोड़कर तुषार गांधी, नेहा पाटकर, कन्नन गोपीनाथन, सारिका चौधरी, शहनवाज भाई, वो तमाम लोग यहाँ आए हैं। और हमारे हम उम्र तो नहीं है, लेकिन दोस्त की तरह बंगाल में हमारे साथ यात्रा कर रहे थे, जब हमने CNR CNPR के खिलाफ दार्जिलिंग से लेकर कलकत्ते तक की यात्रा की थी, साई साथी विक्टर भाई भी CNRC विरोधी संघर्ष मोर्चा बंगाल की तरफ से आए हैं, और बंगाल से भी कुछ साथी आए हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आप तमाम मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और आपसे मैं एक चीज साझा करना चाहता हूँ। मेरी अवस्था ये नहीं है कि अमूमन मैं उस शैली में बात कर सकूं जिस शैली में मैं बात करता हूं। वजह यह है
कि पिछले 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। कल रात भी मैं सो नहीं पाया था, इसी वजह से मैं देर से पहुंचा यहां। वजह यह है कि देश में जो चल रहा है उसका जो उथल पुथल है, उसका जो दर्द है, वो दर्द सोने नहीं दे रहा है। इसीलिए आप सबसे माफी मांगते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हो सकता है कि इस अवस्था में मेरे शब्द किसी को बुरा लग जाए, किसी को पसंद ना आए, तो ये राजनीतिक तकरीर नहीं है, ये राजनीतिक भाषण नहीं है, ये सोच करके उसको माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज देश के भीतर जो हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात में बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया है और उनका कोई कसूर नहीं था, वो दवाइयां लेने के लिए जा रहे थे, वो राशन लेने के लिए जा रहे थे, वो अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जा रहे थे, वो अपना दुकान खोलने के लिए गए थे, जिनका घर जलाया गया, जिनके ठेले जलाए गए, जिनके अपनों को छीन लिया गया। आप बेशक इस अन्याय के खिलाफ बोलिए, लेकिन मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपनी जगह पे खड़ा होकर एक मिनट के लिए उन तमाम लोगों के लिए जिनकी मौत हुई है, उनके लिए शांति की अपील में हमारा साथ दीजिए। हम लोग एक मिनट का मौन धारण करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश और है हमारा आपसे, आप सब लोग बैठे मत, जैसे खड़े थे वैसे ही सावधान की मुद्रा में खड़े होइए। कुछ कहने से पहले मैं चाहता हूं कि हम तमाम लोग जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको हम याद करें, उसको गाएं, और जो नफरत हमारे बीच आज बोई जा रही है, जिस नाम पे बोई जा रही है, जात और धर्म के नाम पे, उसको ढूंढने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब हमारे साथ इस देश का राष्ट्रीय गान गाएं। आपको ये मंजूर है? आप हमारे साथ राष्ट्रीय गान गाएंगे? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, महिला या पुरुष का जिक्र है क्या? अगर नहीं है तो
आज जो इस देश में जात और धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, इंसानों को जो इंसान से बांटा जा रहा है, आपको लगता है कि ये देशभक्ति है? अगर आपको नहीं लगता है कि ये देशभक्ति है तो आप इसका विरोध करेंगे, और आप जब इसका विरोध करेंगे तब आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। और एक आईएएस ऑफिसर कर्नल गोपीनाथन आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देख लीजिए। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आप पत्रकार होते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। सैकड़ों पत्रकारों को सच्चाई लिखने के चलते उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। आप अगर सच लिखेंगे, सच बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा और फर्जी मुकदमे लगा करके आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। देश के तमाम युवा नेताओं को आप देख लीजिए, डॉक्टर कफील खान से लेकर के वो तमाम लोग जो आज सच बोलते हैं, आज उनको जेलों में बंद करके छोड़ दिया गया है। ये जो हालात देश के भीतर पैदा किए गए हैं, इस हालात में हम तमाम लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि बड़ी चालाकी से जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा सवाल है, दो बच्चे हैं दिलशाद और सानिया, ये हो गए हैं, ये मंच पे हैं। जिनका ये बच्चा है वो कृपया आकर के मंच से इनको ले जाएं। वैसे तो हमारे सबके बच्चे हैं, फिर भी जो इनके माँ बाप हैं वो इनको आकर के ले जाएं। दोस्तों, मैं कह रहा था कि आज किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है, कि अगर आप सरकार की बात से सहमत हैं तो सही, अगर आप सरकार की बात से सहमत नहीं है तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। सरकार ने तमाम अपनी चीजों को गुमराह करने के लिए, जो उनकी असफलता है उसको गुमराह करने के लिए रोज हमारे बीच में एक नया एजेंडा फेंकती है। अभी एजेंडा क्या आया है कि सीएए के समर्थन में और सीएए के विरोध में रैलियां हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत है? वो कानून ऑलरेडी पास हो चुका है। जिसको उस कानून से दिक्कत है वो लोग उस कानून का विरोध करेंगे। असल मसला क्या है? मसला ये है कि दिन रात जो हमारे टेलीविजन पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को इस देश के गली मोहल्लों में उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और गांधी के इस देश में, अम्बेडकर के इस देश में, भगत सिंह के इस देश में इंसानों को आपस में लड़ा करके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आत्मसम्मान के सवाल को गुमराह किया जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि कैसे ये जो साजिश है उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में हिंदुओं को नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग बिहार के लोग जो ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोग किसी भी धर्म को, ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये मौलाना मजनू हक की धरती है, ये पीर अली की धरती है, इस धरती पर क्या आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के इंसान को नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? हाथ उठा करके जोर से बोलिए। तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? हम किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के नाम पर एनआरसी और एनपीआर की साजिश के द्वारा इस देश के लोगों को जो नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी विरोध को, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये सारी बात की दादियों से डर गए हैं। और
बदनाम करने के लिए दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। ये नफरत लगातार लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है ताकि इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई है और नौकरियां नहीं मिलने के दबाव में ये आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीका से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और कोर्ट से जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। लोगों को भड़काने वालों के ऊपर FIR नहीं किया जाता है और जब FIR करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे धीरे लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को छीन कर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो CNR CNPR का विरोध कर रहे हैं और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रोड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हम आपकी साजिश के खिलाफ गांव गांव जाएंगे, एक एक इंसान के बीच में जाएंगे और आपको क्या लगता है आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे। आप भुलावे में है, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रबोध आज हमारे मंच पर बैठे हुए हैं कि इस बात की शिनाख्त देख लीजिए। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।